Assalamu alaikum. First of all, thank you, Zainab, for inviting me to your podcast. My name is Nazia Ahmed, and as a principal, Nisa Institute, from last 2.5 years se yahan job kar rahi hu. Isse pehle bhi kafi different positions mein maine kaam kiya hai, aur mostly mera working experience jo hai wo female education se hi raha hai. Is पूरे अरसे में लाइक 7 to 8 ईयर्स मैंने जॉब की है, और इस साथ 8 साल के एक्सपीरियंस से एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि फ़ीमेल्स के लिए एजुकेशन किस हद तक ज़रूरी है. फ़ीमेल के लिए एजुकेशन का होना, एजुकेटेड होना, स्किल्ड होना एक बहुत बड़ी एक पावर है हमारे लिए, जो शायद हम अभी तक नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को. सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि जब एक औरत स्किल्ड होती है, एजुकेटेड होती है, वो आपकी नेशन को स्ट्रॉन्ग करती है. आपकी नेशन को स्ट्रॉन्ग करने का मकसद ये है कि आपकी जो किसी भी औरत की जो स्किल्स होती है या उसकी एजुकेशन जो होगी ना, वो उसको एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाती है. वो उसको खुद इतना रिस्पॉन्सिबल कर देती है कि कल को खुदा ना खास्ता कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेनी पड़े, तो एक औरत इतनी स्ट्रांग हो कि वो अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफेक्टली या प्रॉपरली लेकर चल सके, उसे किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े. एक तो सबसे बड़ा रीज़न फीमेल एजुकेशन का ये भी होता है. इसके अलावा आजकल के एनवायरनमेंट में एक खातून का, एक औरत का, एक लड़की का एजुकेटेड होना, स्किल्ड होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी. एक माशरा तरक्की ही तब करता है जब वहाँ मर्द और औरत दोनों मिलकर एक साथ उस माशरे के लिए कुछ बेटरमेंट लाने की कोशिश करते हैं. वो तभी पॉसिबल है कि अगर आपकी खवातीन आपके किसी भी माशरे में है, आपकी वो एजुकेटेड है, तभी हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, तभी है. फिर इस सब में जब हम एक नेशन की बात करते हैं, तो हम अपने इस नेशन में, इस पाकिस्तान में, सो हम बीइंग सिटीजन ऑफ क्वेटा बलूचिस्तान, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ की कल्चर को बाकी पाकिस्तान से हम थोड़ा सा अलग इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान एक उतना सिविलाइज्ड कल्चर नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ के लोगों के पास, ना ही उतना एक वो सेक्टर जो एजुकेशन का सेक्टर एक जिस तरह होना चाहिए. कि यहाँ उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ख़वातीन के पास, लड़कियों के पास, फीमेल्स के पास, किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है कि जहाँ वो अपनी स्किल्स को और पॉलिश कर सकें. इसमें सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो यही है कि बलूचिस्तान का कल्चरल जो एक बैकड्रॉप है, एक नेचर लोगों की ऐसी है कि जो एक्सेप्टेंस नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर. उस एक्सेप्टेंस के ना होने का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ख़वातीन को ही है. एक लड़की अपने घर से, मतलब जैसे वो हम ये बात करें कि बलूचिस्तान के इंटीरियर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स तक नहीं है, प्राइवेट तो बहुत दूर की बात, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, तो वो शहर से, वो उनके इलाकों से थोड़ा सा फासले पर अगर है तो वहाँ जाने के लिए एक लड़का तो जा सकता है, लेकिन फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं है, अपनी बेटियों को वो कभी अलाउ नहीं करते. तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो हम काफ़ी अर्से से हम फेस भी कर रहे हैं, और इसकी वजह से बलूचिस्तान में 78% बच्चियाँ ऐसी हैं कि जो एजुकेशन से बिल्कुल दूर है, और जितनी एजुकेशन के साथ अगर है भी, जिनका कोई ताल्लुक है, पढ़ रही हैं कहीं आकर, तो वहाँ स्टाफ, या जिनका कोई ताल्लुक है, पढ़ रही हैं कहीं आकर, तो वहाँ स्टाफ या फैकल्टी उनकी ऐसी नहीं है कि वो उनको प्रॉपरली एजुकेट कर पाए. तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर्स में भी इवन ये इशूज़ हैं कि हम उनको उस तरह से वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जिसका, जो वो डिज़र्व करते हैं. इसमें अब सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएँ, तो कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इनको, इन चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता. इसमें सबसे मेन जो इशू हमारा है इस टाइम, वो यही है कि हमारे पास मॉनिटरिंग का कोई प्रॉपर ज़रिया नहीं है. गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं हर कोने खुदरे में, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा, लेकिन उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हो क्या रहा है ये हमें नहीं पता. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है कि जो वो उन स्कूल तक जाए, उनको मॉनिटर करें. ईयरली इंक्रीमेंट्स लेना बहुत आसान काम है, ईयरली इंक्रीमेंट्स बढ़ा के लिए आके सड़कों पे बैठ जाना और अपने इंक्रीमेंट्स निकलवाना गवर्नमेंट से, ये सब कुछ बहुत इजी है. लेकिन जो मुश्किल है वो जाके उन क्लासरूम्स में बैठ के उन बच्चों को पढ़ाना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है. ये मॉनिटरिंग नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है. एक ही स्कूल में एक पोजीशन पे चार बंदे अगर लगे हुए हैं और वो चारों भी नहीं जाके पढ़ा रहे, तो इट मीन्स ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना. और ये मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी, हम इस एजुकेशन की फील्ड में हम हमेशा पीछे ही रहेंगे. हम बाकी दुनिया से क्या कम्पीट करें, हम अपने प्रोविंसेस में ही पाकिस्तान के बाकी तीनों प्रोविंस के साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते कभी भी नहीं, जब तक जो हमारी सिचुएशन है इसमें. आई डोंट थिंक कि हम अगले 50-60 सालों में भी उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जहां हमारा अपना पाकिस्तान में ही बाकी प्रोविंसेस जिस लेवल पर हैं. आई होप मेरी बातें लोगों को समझ आएंगी, और जितना हमसे हो सकेगा और जितना हम मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जब तक नहीं निकालेंगे, तब तक कोई बाहर से आके हमारी हेल्प नहीं करेगा.
थैंक यू सैनब, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, अल्लाह हाफिज़।